आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं BEML के शेयर का एनालिसिस करने वाला हूँ। ये एनालिसिस का वीडियो देखेंगे तो आपको बढ़िया प्रॉफिट हो जाएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। तो BEML का ये वन डे का चार्ट है, आप देख सकते हैं ये BEML का वन डे का चार्ट है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ आप देखिए, ये यहाँ पर लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, और ये राइट शोल्डर। तो ये क्या बन रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये दो शोल्डर और ये हेड, ये सबसे पहले तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। ये जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है, ये एक बुलिश पैटर्न होता है। इसका ये मतलब है कि प्राइस में तेजी आने वाली है, इसकी पूरी संभावना है। सबसे पहले तो ये, अगली चीज़ आप ये देखिए कि यहाँ पे एक इस तरीके से यहाँ पे एक रेसिस्टेंट एरिया बन रहा है। मतलब यहाँ छुआ फिर गिर गया, फिर यहाँ छुआ फिर थोड़ा गिर गया, अब फिर यहाँ पे छू रहा है और इसको पार करने की कोशिश कर रहा है। तो ये रेसिस्टेंट एरिया है, एक तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन ही रहा है। इसके अलावा ये रेसिस्टेंट एरिया में जब ये घुस जाएगा ये शेयर, ठीक है, तो इसमें काफ़ी हमें तेज़ी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो इसकी पूरी संभावना इसमें तेज़ी देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप यहाँ देखिए, एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए 9 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 20 का, 50 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 100 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इन सब के जस्ट ऊपर है प्राइस। ये मतलब ना बहुत ज़्यादा ऊपर इसके निकला है ना नीचे है, इन सब के जस्ट जो EMAs हैं आपस में मिल रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो आपस में क्रॉस ओवर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा बुलिश संकेत है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे तीन बुलिश संकेत मिल रहे हैं, एक तो ये पैटर्न हेड एंड शोल्डर का, एक ये सारे के सारे EMAs आपस में मिल रहे हैं और प्राइस इसके जस्ट ऊपर है, और ये रेसिस्टेंस एरिया। तो जब भी आप शेयर का प्राइस अभी जैसे 4050 का है, जब भी इस एरिया के अंदर घुसेगा, तो जब इस एरिया के अंदर घुसेगा तो ये इस वाली कैंडल के हाई पे, यानी कि 4188, हो सकता है 4190 तक गया है, तो 4050 रुपये का है, 4190 का इसका पहला लेवल होगा। फिर जब ये 4190 को पार कर जाएगा, इसका मतलब जो ये एरिया मैंने बनाया है रेसिस्टेंट का, इस एरिया को भी पार कर जाएगा, तो हमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो इसका अगला लेवल हो सकता है इस वाली कैंडल का हाई, जो कि 4310 के आसपास होना चाहिए। और अगर इसको भी ये तोड़ देता है तो बाद में छोटा सा आपको गैप दिख रहा है, ये गैप फिल करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन हमारा जो पहला जो लेवल होगा देखने के लिए, वो ये होगा, इस वाले एरिया में अगर घुसता है तो आप उसमें बाय कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस लगा के बाय करें तो बेहतर है, ठीक है ना। बाकी इसमें कमजोरी की मुझे कोई उम्मीद नहीं लग रही है, तेज़ी की उम्मीद लग रही है। इस शेयर को वॉच आउट करते रहें, और आप देखिए कि ये जो लेवल है इसके अंदर घुस रहा है, अगर इसके अंदर घुस रहा है तो हमें बुलिशनेस देखने को मिल सकती है, नहीं तो आपको वेट करना होगा, नहीं तो फिर क्या होगा, कंसोलिडेट करेगा, और कंसोलिडेट करके तो फिर गिर भी सकता है, ज्वेलरी थोड़ी है फिर ऊपर पड़े, ठीक है ना। तो आपको वेट करना है। तो 4050 के ऊपर जा रहा है ये पाप, 4060, 4070, 4080 अगर इनके ऊपर जाता है तो बाय करने के लिए तैयार हो जाइएगा आप, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना, थैंक यू।